ओके चलो ध्यान दो, कौन सा क्वेश्चन आया? एट। ऑन द टू लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड टू कार्स बी एंड सी अप्रोचेस द कार ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, एट द सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू ए एंड सी बोथ बींग 1 किलोमीटर बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डस। ओके, वापस एक बार, वन कार दैट इज द ए कार ट्रेवलिंग विद द 36 किलोमीटर पर आवर, सो ओवर हियर दिस इज द ए कार, है ना, एंड इट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड विद द वेलोसिटी वी ए एंड दैट इज नथिंग बट हाउ मच किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया? आया ना? ओके, नाउ कार बी एंड कार सी अप्रोचेस टुवर्ड्स द ए बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि बी कार ए से पीछे से जा रही है और सी कार सामने से आ रही है। आया समझ में? इनिशियली दिस बी कार इज इन दोस, कंप्लीटली बंद करो, ये जो बी कार है वो यहां पे इस ट्रैक में था, कौन से ट्रैक में था? ए वाले, ए के पीछे, फिर ओवरटेक करने के लिए उसको बाजू वाले ट्रैक में जाना पड़ेगा, रास्ता तो देखा होगा ना सब लोगों ने, ऐसे रास्ता होता है ना दो साइड वाला, यहां से ए चल रही थी, पीछे कौन चल रहा था? बी, तो बी ऐसे ओवरटेक करके इधर आ जाएगा, आया ना, बट वहां पे उस वक्त सी नहीं होना चाहिए, सी सामने से आ रहा है, सी वहां पे होना चाहिए नहीं, नहीं तो सी और बी टकरा जाएंगे, बराबर, क्लासेस होना चाहिए नहीं, तो बी डिसाइड टू ओवरटेक ए। उस वक्त ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस कितना किलोमीटर था? ए एंड सी के बीच का भी डिस्टेंस कितना था? 1 किलोमीटर। तो हमें वो बताना है कि जब बी के ड्राइवर ने डिसाइड किया कि मुझे ए को ओवरटेक करना है तो उसको मिनिमम कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, कार को कितना भगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन कितना प्रोवाइड करेगा ताकि एक्सीडेंट को क्या कर दिया जाए, अवॉइड, क्योंकि सी तो अपनी स्पीड से आ रहा है, बी वाले को स्पीड बढ़ा के निकल जाना है ऐसे ठीक है आगे, गॉट इट ना। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए? 36 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 36 × 1000 डिवाइड बाय 3600 टू कन्वर्ट मीटर पर आवर सेकेंड, तो आंसर क्या होगा? ए डबल 100 हो गया, 10³ डिवाइड बाय 100, हाउ मच? 10,000 डिवाइड बाय 100, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें वो देखना है कि हमारे पास दो मोशन है, बी का ए के रिस्पेक्ट में भी मोशन है, ऐसा नहीं कि बी और ए के बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर ही रहेगा, हाँ वो रिड्यूस होगा जब बी का वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन ए स्टेशनरी नहीं है, ए भी किस में है? मोशन में। अगर ए स्टेशनरी होता तो सिर्फ बी के वेलोसिटी से काम चल जाता, लेकिन ए इज अगेन इन अ मोशन एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक रिलेटिव वेलोसिटी, हमें क्या ध्यान में लेना पड़ेगा? रिलेटिव वेलोसिटी। तो कार वेलोसिटी ऑफ कार बी एंड कार सी आर रिस्पेक्टिवली सपोज वी बी एंड वी सी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटी वी बी एंड वी सी है जो कितना था? 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, जब ग्राउंड का रिस्पेक्ट होता है तो हम पीछे कुछ नहीं लिखते, जैसे हम बीबीसी बीबीजी बोल सकते हैं, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ना बोले तो भी आपको समझना है कि वो किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हमारा रेफरेंस क्या बनता है? ग्राउंड, इसलिए हम उसको स्पेसिफाइड करें या ना करें चलता है, गॉट इट ना। सो नाउ वीबी इक्वल्स टू वी सी, हाउ मच किलोमीटर पर आवर? 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 × 10³ डिवीजन में 3600। ओके, तो जब 54 × 1000 होगा, किसका था, करो साइलेंट, 54 × 1000 डिवाइड बाय 3600, हाउ मच? 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, लाए हो ना, तो यूज भी करना है फटाफट, 15 मीटर पर सेकेंड, 54 × 1000 डिवाइड बाय 3600, गॉट इट ना। ओके, नाउ अब आएगा रिलेटिव कॉन्सेप्ट, बीच में कौन ठहरा हुआ है? ए, कौन ठहरा हुआ है? ए, तो ए के रिस्पेक्ट में बी का कितना वेलोसिटी है, तो द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? वी बी ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, तो वी बी कितना है? 15, वी ए कितना है? 10, तो हाउ मच मीटर पर सेकेंड? 5 मीटर पर सेकेंड, आया समझ में? वैसे भी उसको ओवरटेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो ए से टकरा जाएगी, ए से ज्यादा स्पीड है कि नहीं है, ए का कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड, और बी का स्पीड कितना है?
15 मीटर पर सेकंड, तो अगर वो ए को ओवरटेक नहीं करेगी तो ए से टकरा जाएगी, बट अगर ए को ओवरटेक करने गई तो भी उतनी ही स्पीड से जाएगी तो सी को टकराएगी, क्योंकि सी भी उतनी स्पीड से आगे आ रहा है, बी भी उतनी स्पीड से आगे जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए बी वाले को अपनी स्पीड तो बढ़ानी ही पड़ेगी। अब लिसन केयरफुली, तो ए के रिस्पेक्ट में बी का स्पीड मिल गया, लाइकवाइज मुझे सी का स्पीड भी फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में? ए। बट द मेन चीज, मेन ट्विस्ट ओवर हियर इज वीसी माइनस वीए। अगर मैं उसमें वीसी को पॉजिटिव लेता हूं तो वीए की डायरेक्शन ऑपोजिट टू सी है, आगे दोनों डायरेक्शन बी एंड ए के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में थे, दिखा आपने, बोथ आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, बट ओवर हियर सी ट्रेवलिंग ओवर लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एंड ए इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, एंड दैट्स व्हाई बोथ द डायरेक्शन आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई मैं वीए को क्या लिखूंगा? माइनस वीए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस वीए, तो 15 प्लस 10, इसलिए सी का स्पीड ए के रिस्पेक्ट में 15 नहीं, कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर पर आवर। हाउ? तो सी जो है वो 15 मीटर पर आवर, सॉरी मीटर पर सेकंड, पर सेकंड 15 मीटर सी आगे आ रहा है, ए जो 10 मीटर पर सेकंड आगे जा रहा है, तो एक सेकंड में उसका 15 आ गया ना, इसका 10 आगे जाना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कम हो गया? 25, तो बन गया रिलेटिव स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। नाउ यू नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड ए एंड सी हाउ मच किलोमीटर गिवन? 1, एंड दैट मींस हाउ मच मीटर? 1000 मीटर। ओके, सो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा टी टाइम के अंदर, या 1000 किलोमीटर कवर करने के लिए सी को कितना टाइम लगेगा? तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इक्वल्स टू वी इंटू टी, तो डिस्टेंस कितना है? 1000, और सी का ए के रिस्पेक्ट में स्पीड कितना मिला था? 25, तो सी को कितना टाइम लगेगा ए तक पहुंचने के लिए? 40 सेकेंड। तो लिसन केयरफुली, इस रास्ते पे ए जा रहा है, ओके, और यहां से सी आ रहा है, तो ए सी जो है वो सिर्फ 40 सेकंड में किसके पास होगा? एग्जैक्टली ए के पास, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे है, दैट्स वाई उनके बीच में तो कोई कोलाइजन होने वाला नहीं है। लेकिन इससे क्या बना? हमने टाइम क्यों फाइंड किया? तो ए जा रहा था अपनी स्पीड से, सी आ रहा था अपनी स्पीड से, वो स्पीड को हमने यूज करके फाइंड आउट किया कि ये सी जो है वो ए के नजदीक कब पहुंच जाएगा? 40 सेकंड के अंदर, क्योंकि दोनों के बीच का 1000 मीटर डिस्टेंस था जो 40 सेकंड में कवर अप होने वाला है। अब ये जो 40 सेकंड है ना, वो बन गया बी वाले के लिए डेडलाइन। इस 40 सेकंड के अंदर बी वाले को किसको ओवरटेक कर देना है? ए को। बात समझ में आया? टाइम हमने क्यों फाइंड किया, आया ना? तो पहले हमने दोनों स्पीड लिए, रिलेटिव स्पीड से हमने क्या फाइंड कर लिया? टाइम। अब बी वाले को भी, बी ए जो है वो बी से, या ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस भी 1000 मीटर है, मतलब कि इस बी वाले को 1000 मीटर कवर करना है, वो भी कितने सेकंड के अंदर? 40 सेकंड के अंदर। आया समझ में? तो क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी तो थी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी वी हैव, लेकिन एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूला है। कौन से दो फॉर्मूला? दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, बट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वी भी नहीं है, टी भी नहीं था इनिशियली, गॉट इट? चलो, और टी मिल भी जाता है ना तो भी वी नहीं है, क्योंकि मुझे तो ए फाइंड करना है, इसलिए इस फॉर्मूला के चांसेस बिल्कुल कम है। दूसरा, एस इक्वल टू वी जीरो टी प्लस 1/2 AT² एस बोलो एक्स बोलो, तो इसमें मेरे पास डिस्टेंस है 1000 मीटर, टाइम नहीं था, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इन शॉर्ट, मुझे अगर ए फॉर्मूला को यूज करना है तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? टाइम, और वही टाइम मैंने निकाला 40 सेकंड, आया ना? इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला कौन सा था? वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS अदरवाइज 2AX, तो इसमें मेरे पास x था लेकिन a नहीं था, और a के साथ कौन नहीं था? v, बट ये फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचने का तो हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। उससे अच्छा लॉजिक तो हमारा ये बना कि C A के नजदीक 40 सेकंड में पहुंचता है, तो B को 40 सेकंड के अंदर A को क्या कर लेना है? ओवरटेक कर लेना है। तो टाइम मिला आपको, क्या मिला? टाइम। अल्टीमेटली ये तीन इक्वेशन अगर आपने लिख लिया तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मुझे सेकंड फॉर्मूला यूज करना, इसलिए टाइम फाइंड करना रहा, गॉट इट ना? अब सेकंड कार B को कवर करना है डिस्टेंस हाउ मच मीटर, और वो भी कितने सेकंड में, और उसमें एक्सेलरेशन कितना लगेगा? A। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जब आप D को AB लिखते हो
या डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए वो लिखते हो, तो यहां पे भी क्या लिखना पड़ेगा, VBA, और यहां पे भी क्या लिखना पड़ेगा, ABA। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ABA इक्वल्स टू AB माइनस A, AB में एक्सेलरेशन हमें ढूंढना है और AA का तो कोई एक्सेलरेशन बनाना नहीं है, आया समझ में, तब जाके यहां पे क्या आंसर आएगा, AB। तो देखो ए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 1000। रिलेटिव स्पीड बिटवीन बी एंड ए ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा था 5। टाइम कितना 40, 1/2। ए बी हमें फाइंड करना है, किसका स्क्वायर 40, 5 × 40 200, और ए 40 का स्क्वायर 1600, 1600 डिवाइड बाय 2 800, ए 200 उधर चला गया तो 800 रहेगा, 800 इंटू ए बी इक्वल टू 800, दैट्स वाई ए बी इक्वल टू इतना या उससे ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इतना तो तब जब हमारी दो कार पॉइंट है, बट हमारे दो कार के कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, तो अगर इतना ही करेंगे ना तो एक का पीछे वाला जो पार्ट से आगे वाले पार्ट से टकरा जाएगा, क्योंकि लेंथ आएगी ना। इसलिए हमें बताना पड़ेगा लॉजिकली कि डाइवर्स ऑफ कार बी हैव टू इंक्रीज द एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 1 m/s² 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से कम नहीं और एग्जैक्टली 1 भी नहीं। बात क्लियर हुई, यस और नो? ओके, नाउ अच्छा वाला है, ये सबसे आईएमपी है, बार बार पूछा जाता है स्कूल एग्जामिनेशंस में। ओके चलो, क्या बोला गया है यहाँ पे, आपको बोला गया है कि ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय द रेगुलर बस सर्विस विद द बस हैविंग द आइदर डायरेक्शन एट एवरी 3 मिनट्स। सपोज दो सिटी है और दो सिटी में पॉपुलेशन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ए सिटी वाले लोग बी में जा रहे हैं, बी वालों को ए में जाना है, किसी को जॉब के लिए जाना है, किसी को काम के लिए, बट बहुत ज्यादा क्रश, जैसे कि अहमदाबाद बड़ौदा, ओके, इंटरसिटी बस उसमें चालू होती है और आपको एवरी टी आवर्स या टी मिनट, मतलब एवरी 20 मिनट्स के बाद एक बस मिल जाएगी ए से बी जाने के लिए और बी से ए आने के लिए, एवरी टी मिनट्स के बाद, कितने मिनट्स के बाद, टी, ओके। और हम मान लेते हैं कि जो डिसाइड टाइम पीरियड है उसमें बस बी ए पे पहुंच भी जाती है और बस ए वहां से निकली हो तो बी तक भी पहुंच जाती है, बीच में कोई ट्रैफिक या कोई ऑब्स्टेकल्स आते नहीं है, हम न्यूमेरिकल करते वक्त ऐसा मान लेंगे। तो एवरी टी मिनट्स पे बस निकल रही है आइदर स्टेशन ए या तो फिर बी। अ मैन साइकिलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 km/h, अब बस का रेस लगने वाला है साइकिलिस्ट से, एक मैन जो है वो कितनी स्पीड से साइकिलिंग कर रहा है, 20 km/h इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, वो ए से निकला किसकी ओर जा रहा है, बी, एंड नोटिस दैट बस गोज अ पास्ट हिम एवरी 18 मिनट्स, और फिर नोटिस करता है कि जैसे जैसे वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, उसका वेलोसिटी ना उससे कम हो रहा है ना उससे ज्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों, थियोरिटिकल है, बाकी रियलिटी में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एवरी 18 मिनट्स उसको बस जो है वो क्रॉस कर रही है, क्या कर रही है, क्रॉस एवरी 18 मिनट्स। क्या इसका मतलब ऐसा कि वो टी 18 मिनट्स था, नो, क्यों, क्योंकि यहां पे अगर मैन स्टेडी होता तो ठीक है, तो हम मान लेते यस, क्योंकि वो स्टेडी है ना तो बस का ही वेलोसिटी आएगा ना, तो 18 मिनट्स आ जाता टाइम इंटरवल, बट अभी यहां पे मैन स्टेडी, मैन खुद भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वो काफी आगे पहुंच जाएगा, तब जाके वो बस निकली होगी, उसको टाइम लगेगा उसके वहां पहुंचने का, बट एवरी 18 मिनट्स पे उसको बस मिल रही है, हाउ मच मिनट, 18, एंड एवरी 6 मिनट इन अपोजिट डायरेक्शन, उसको ओवरटेक कर रही है वो बसेस एवरी 18 मिनट्स कर रहे हैं, बट जो वो सामने की ओर जा रहा है तो सामने वाली बस एवरी 6 मिनट पे मिल रही है, क्यों, क्योंकि वो नजदीक जा रहा है ना, सामने की ओर जा रहा है तो टाइम कम हो जाएगा, और पीछे से वो दूर जा रहा है तो टाइम एवरी 18 मिनट्स पे मिलेगा। बात क्लियर हुआ, ओके। व्हाट इज द पीरियड ऑफ पीरियड टाइम टी ऑफ बस सर्विस एंड व्हाट इज द स्पीड, एज्यूम कॉन्स्टेंट स्पीड, हमें बस का कॉन्स्टेंट स्पीड लेना है, गॉट इट, डू द बस फ्लाई ऑन अ रोड, ओके, जो रोड पे बस का स्पीड है वो कितना होना चाहिए, और दूसरा कि टाइम इंटरवल जो हमने टी मिनट बताया था वो कितना है। बात क्लियर हुआ, एक बात तो फिक्स है कि 6 मिनट जो उसको मिल रहा था उससे ज्यादा होगा और 18 मिनट जो उसको बिगर मिल रहा था उससे क्या होगा, कम, टाइम पीरियड का वैल्यू। समझते हैं क्या हो रहा है, सपोज द स्पीड ऑफ द बस, बस का स्पीड हमें पता नहीं है, हमने कितना ले लिया, V km/h, वाई, बिकॉज यहाँ पे दो रिलेटिव वेलोसिटी आने वाले या स्पीड आने वाले, एक जो बस ए, बस एक बस जो ए स्टेशन से निकली हुई है
उसका साइकिल के रिस्पेक्ट में, और दूसरा बस जो बी स्टेशन से निकला हुआ है उसका साइकिलिस्ट के रिलेशन में या रिस्पेक्ट में स्पीड हमें फाइंड करना है। तो बस का स्पीड मुझे चाहिए, बस के स्पीड को मैं क्या बोल दूंगा, वी किलोमीटर पर आवर, एंड साइकिलिस्ट का स्पीड आपको पता है 20 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ बस ए फ्रॉम ए टू बी, एक बस जो ए से बी जा रही है उसका स्पीड कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। तो बस का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, तो वी बी माइनस क्या होगा, वी सी। ओके, अब साइकिलिस्ट भी ऐसे जा रहा है और बस भी उसी डायरेक्शन में जा रही है ए से बी, तो दोनों पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो वी बी का क्या रखेंगे, वी, बस का स्पीड वी, और वी सी कितना दिया था, तो लिखा है ना स्पीड ऑफ बस फ्रॉम ए टू बी विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, या तो फिर साइकिल कितना मिला, वी माइनस 20 किलोमीटर पर आवर, डिरेक्शन इन डिरेक्शन ऑफ साइकिल ही रहेगा। नाउ स्पीड ऑफ बस, अगेन बस का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल, तो वापस वी बी माइनस वी सी करना पड़ेगा। लेकिन अगर अब साइकिलिस्ट बस, अब जो बस है वो बी से कहां जा रही है, ए, एंड दैट्स वाई इट शुड बी नेगेटिव, तो माइनस वी लेना पड़ेगा, माइनस यहां पे क्या आएगा 20, आया समझ में। अगर मैं ऐसा करूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वी प्लस 20। लेकिन इस वक्त ये जो डिरेक्शन है वो बी से कहां है, ए, अगर मुझे वही डिरेक्शन को ए से बी बोलना है, क्या बोलना है, ए से बी, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिखा है ना स्पीड ऑफ बस फ्रॉम बी टू ए विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल, जो कितना हो जाएगा, वी प्लस 20। दोनों सेम डिरेक्शन में, मतलब दोनों अपोजिट डिरेक्शन में होते हैं तो स्पीड एडअप होता है, और दोनों सेम डिरेक्शन में होते हैं तो स्पीड क्या होता है, सब्सट्रैक्ट। बात समझ में आया। नाउ सपोज जो हमें और पता नहीं था वो क्या था, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी पता नहीं था। आपको पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन क्या होता है, टाइम, तो व्हाट इज द टाइम, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी, गॉट इट। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा बस, तो बस का स्पीड कितना था, वी, बस का स्पीड कितना था, वी, और एवरी टी इंटरवल में बस निकल रही है, आया ना, तो टी इंटरवल तक उसने कितना स्पीड, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वी टी जितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड उसकी वी थी, और टी टाइम इंटरवल तक उसने मोशन किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, वी टी, बराबर। उस वक्त साइकिलिस्ट को 18 मिनट्स पे मिल रही है, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट कितनी स्पीड थी, तो हमने देखा था वी माइनस 20, तो डिस्टेंस अपन स्पीड, तो कितना मिला, एवरी 18 मिनट्स मिल रही थी। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो वी टी बाकी बचा, 18 इंटू वी क्या हो गया, 18 वी, 18 इंटू माइनस 20 मल्टीप्लीकेशन में आ गया, आया ना। नाउ यहां पे लिसन केयरफुली, ए हो गया आपका पहला इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अनदर इक्वेशन, अनदर इक्वेशन में भी सेम डिस्टेंस अपन वेलोसिटी करना है, बट अब कितना डिस्टेंस बस ट्रेवल करेगी भव्य, तो वो वी वेलोसिटी से जा रहा है, कितने वेलोसिटी से जा रहा है, वी, सुना तुमने तुम्हारा नाम, ओके ध्यान देना, वो वी वेलोसिटी से बी से ए की ओर आ रहे, वो भी टाइम इंटरवल टी के बाद निकली थी, तो टी टाइम इंटरवल तक उसने भी कितना डिस्टेंस कवर किया, वी टी, बट उसका और साइक्लिस्ट का रिलेटिव स्पीड कितना है, तो वी प्लस 20 आ रहा है ना ऑपोजिट डिरेक्शन के लिए, तो वो रिलेटिव स्पीड हो गया। तो उस वक्त कितना टाइम मिला था उसको, सामने कितने टाइम पे मिल रही थी, बस 6 मिनट पे, आया ना। बस अब इसको मैं उधर भेज दूंगा, तो वी टी इक्वल्स टू क्या हो गया, 6V और 6 × 20, ए बी वी टी और ए बी वी टी, दोनों इक्वेशन में वी टी वी टी है, तो दोनों राइट हैंड साइड को क्या कर लेंगे, कंपेयर, तो पहला है 18V माइनस 18 × 20, दूसरा है 6V × 6 × 20, तो चलो ए 6V को उधर भेज दू, तो 18 में से कट हो गया, कितना हो जाएगा 12, और ए 6 × 20 तो था ही था, ये माइनस 18 × 20 को उधर भेज दू, तो 6 × 20 प्लस 18 × 20, क्या कॉमन निकाल सकता हूं, 20, 18 + 18 + 6 = 24, 12 से अगर मैं कट कर दू तो 2 × 20, वंस आई विल गेट द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, मैं ये जो कोई भी इक्वेशन है, जैसे इन लोगों ने 18 वाला लिया, मतलब इस इक्वेशन में या तो फिर इस इक्वेशन में, कहीं पे भी मैं v का वैल्यू डाल सकता हूं, तो यहां पे डाला v इंटू टी की जगह पे 40 × t, 18 × v की जगह पे 18 × 40, 18 × 20 आया, 18 × 20,
18 into 40, 720 minus 360, और 40 से डिवाइड करेंगे तो एवरी 9 आवर्स वो बस निकल रही होगी. हाउ मच आवर? 9 आवर. बात क्लियर हुई? और इसीलिए मिनट आएगा, नहीं 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 सेकंड आएगा, किलोमीटर पर आवर सही है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? व्हाट इज द स्पीड? तो आंसर भी किस में आएगा? आवर में आएगा. यस 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 गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट. ओके, यहां पे हमने इसको मिनट लिया था, किसमें लिया था? मिनट. और यहां पे हमने इसको किसमें लिया था? मिनट. तो फाइनली ये जो आपने आंसर आगे पीछे कंपेयर किया ना, दिस इज इन टर्म्स ऑफ मिनट, किसमें था वो? मिनट में. और इसीलिए फाइनली किसमें आएगा? समझ में आया? अब यहां पे हमने जो डिस्टेंस है वो मिनट में लिया था, दैट्स वाई यहां पे किसमें आएगा? मिनट में. ये जो यहां पे 89.6 लिया था ना, दैट इज गिवन अस इन अ मिनट. देखो दिया है ना. ओके, गलती मत कर बैठना. यहां पे स्पीड तुमने 20 लिया था ना, तो तुम्हारा यहां पे 20 20, यहां पे बी माइनस 20 ही चल रहा है, यहां पे बी प्लस 20 ही चल रहा है. तो 20 किलोमीटर पर आवर्स में ही था, तो वी भी किस में रहेगा? किलोमीटर पर आवर्स में, मीटर पर सेकंड में नहीं रहेगा. अब अगर अगर तुम जानबूझ के अगर इसको आवर में कन्वर्ट करना चाहते भी हो, तो ए डिवाइड बाय क्या आएगा? 60. ओके, ए डिवाइड बाय क्या आएगा? 60. तो तुम्हारा कंफ्यूजन हट जाए, तो ये मिनट की जगह पे अब आवर में चला गया. पक्का? ए भी आवर में चला गया, छोटे से बड़े में जाएंगे तो. अब उससे क्या होगा कि ए 60 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 60 आ गया. आया ना? ए 60 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 60 आ गया. तो वी टी इंटू 60 इक्वल्स टू दिस मच, वी टी इंटू 60 इक्वल्स टू दिस मच. तो दोनों यहां पे तो कंपेयर ही हो जाने वाला है ना, तो यहां पे तो तुम्हारा स्पीड किसमें बैठ जाएगा? किलोमीटर पर आवर. अब अगर तुम यहां पे 60 रख रहे हो, क्या रख रहे हो? 60. तो यहां पे तुम्हारा 60 आएगा, और जब 60 रख रहे हो तो फिर तुम्हारा आंसर किसमें आएगा? आवर में. किसमें आएगा? आवर में. तो 40 इंटू 60 इंटू टी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड रिमेन सेम, तो दैट इज 360. तो टी इक्वल्स टू 360 डिवीजन में 60 इंटू 40, ये किसमें आएगा? आवर में. अब देयरफॉर टी इक्वल्स टू 360, 60 इंटू 40 इंटू 60, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट में. 60 60, आ गया ना 9 मिनट. गॉट इट ना? तो अगर हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि यहां पे मिनट रखने के बाद एक किलोमीटर पर आवर में कैसे रहा, तो वो मिनट को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? किलोमीटर में, बाय जस्ट डिवाइडिंग द 60 एंड टेकिंग ओवर हियर इन अ मल्टीप्लीकेशन. बात क्लियर हुई? कोई भी डाउट है तो बोलो. कंफर्म?
So clear हुआ numerical? Okay. A player throw a balls upward with the initial speed of 29.4 meter per second. Okay. मानो कि initial speed जो है वो कितना है? 29.4 meter per second. What is the direction of acceleration during the upward motion of ball? मैं प्लेयर हूं, मैंने बॉल को अप डायरेक्शन में फेंका, तो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, कौन सी ऑपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन, कौन सा एक्सेलरेशन होगा? ग्रेविटेशनल। मैंने उसको अप भेजा तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड में ही भेजा ना, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होता है? डाउनवर्ड। कौन सी डायरेक्शन में होता है? डाउनवर्ड। आया समझ में?
ओके, तो एक्सेलरेशन कौन से डिरेक्शन में होता है? डाउनवर्ड. कौन सा एक्सेलरेशन होता है? ग्रेविटेशनल. ओके, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन? क्या? हाँ, वेलोसिटी, ऐसा बोल. सो द थिंग इज व्हाट, जैसे मैंने बॉल को टॉप पोजिशन मतलब अपवर्ड डिरेक्शन में थ्रो किया, धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? क्या हो रही है? कम, डिक्रीज. क्यों? ओके, मेन लॉजिक ऐसा है कि व्हेन वेलोसिटी एंड डिरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बोथ आर ऑपोजिट, देन वेलोसिटी गोइंग टू बी डिक्रीज. ओके, तो ओवर हियर वेलोसिटी डिरेक्शन अप डिरेक्शन में है एंड एक्सेलरेशन, एंड दैट्स व्हाई वेलोसिटी गोइंग टू बी. अब कोई पूछे कि वेलोसिटी क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो बहानेबाजी मत करना, ग्रेविटेशनल ए वगैरह. क्या रीजन देना? डिरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑपोजिट, देन वेलोसिटी गोइंग टू बी डिक्रीज. आया समझ में? आया समझ में? आया ना? चलो नेक्स्ट. ओके, जैसे जैसे आप गया टॉप मोस्ट पोजिशन, वहां पे उसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी? जीरो. बट एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टूवर्ड्स द डाउनवर्ड या टूवर्ड डाउनवर्ड्स. गॉट इट? नाउ चूज एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड टी इक्वल्स टू जीरो सेकंड टू बी द लोकेशन एट द टाइम ऑफ द बॉल एट इट हाइएस्ट पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड डिरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डिरेक्शन. जैसे वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंच जाता है उसको मैं जीरो मान लेना है, और टाइम को भी क्या मान लेना है? जीरो. अब वर्टिकल डाउनवर्ड पोजिशन को हमें क्या मानना है? पॉजिटिव. क्या मानना है? पॉजिटिव. ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड गिव द साइंस ऑफ पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द विच मोशन? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन. आया समझ में? अब मानो कि ऊपर चला गया, नीचे को अगर हम क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव. तो अपवर्ड मोशन के लिए वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव. भले अपवर्ड जा रहा है, एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर रहेगा ना, और डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव. बात समझ में आया? दूसरा भी साइन देना था किसका? पॉजिशन. तो ऊपर जा रहा है वैसे पॉजिशन नेगेटिव, और नीचे जा रहा है वैसे पॉजिटिव. देखो सी ऑप्शन, ये सब थियोरिटिकल है. पहले हमने बताया कि ग्रेविटेशनल की वजह से डाउनवर्ड लगेगा, वेलोसिटी जीरो होगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी होगा. जीरो एंड टी मैक्सिमम हाइट को माने, डाउनवर्ड डिरेक्शन को पॉजिटिव माने, अपर डिरेक्शन के लिए पॉजिटिव कैसा होगा? नेगेटिव. वेलोसिटी बी कैसा होगा? नेगेटिव. बट एक्सेलरेशन कैसा होगा? बट डाउनवर्ड में डिरेक्शन, पॉजिशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो नीचे की ओर जा रहा है. बराबर. द थर्ड वन मतलब लास्ट वन, टू वॉट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड? टेक जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब आपको न्यूमेरिकल गिनना है कितने हाइट तक वो जाएगा. तो इनिशियली मानो कि वो टी टाइम तक वो हवा में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेता है? टी. अब आपको सी केस को भूल जाना है, सी केस की बात खत्म. अब एक्स इक्वल्स टू जीरो नीचे प्लेयर के हाथ में हो गया, वहां से कुछ टी टाइम के लिए वो कहा जाएगा अप. अब लिसन केयरफुली, जब भी हम किसी चीज को ग्रेविटेशनल में ग्रेविटेशनल फील्ड में फेंकते हैं तो जितना टाइम अप जाता है उतना ही टाइम नीचे आने में लेता है. दिस इज द रियालिटी, आपको एज्यूम कर लेना है. मतलब कि अगर आपने ऊपर जाने का एज्यूम तो नहीं है, इट इज द फैक्ट, बट ऊपर जाने का टाइम टी फाइंड आउट कर लिया तो ऊपर जाके नीचे आने का टाइम कितना हो जाएगा? टू टी, डबल. आया समझ में? क्या हो जाएगा? टू टी. बात क्लियर हो रही है? ओके, मानो कि मैक्सिमम हाइट कहां तक पहुंचा वो? इनिशियल वेलोसिटी हमने कितना दिया था? 29.4. नाउ दिस केस इज अप टू यू. आप उसमें इसको पॉजिटिव लो तो ए को नेगेटिव कर दो, अगर इसको नेगेटिव लो तो ए को, बिकॉज बोथ डिरेक्शन आर अपोजिट. तो इन लोगों ने अपर डिरेक्शन को नेगेटिव लिया है और डाउन को क्या लिया है? पॉजिटिव. वी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद कितना हो जाएगा? जीरो. पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है. तो अब यहां पे आपका वी स्क्वायर इक्वल वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू विच फॉर्मूला? 280. तो वी यानी जीरो, वी जीरो यानी 29.4, टू ए 9.8 और डी एच. तो ये वो वाला ही फॉर्मूला है, वी स्क्वायर अपन 2a वाला, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला. वैसा ही हुआ ना, उसका वेलोसिटी धीरे 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 कम होगा और जीरो हो जाएगा, तो स्टॉप ही होने वाला है ना. तो देखो इसका स्क्वायर करो कैलसी में, 29.4 into 29.4.
डिवीजन में टू डिवीजन में 9.8 आ गया 4.1। वैसे अगर मैं ऊपर वाले को वेलोसिटी को पॉजिटिव लेता और एक्सीलरेशन को नेगेटिव लेता तो ऊपर डायरेक्शन में एच पॉजिटिव मिलता, लेकिन मैंने अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन को नेगेटिव माना है तो एच भी मुझे कैसा मिलेगा, नेगेटिव। बात क्लियर हो रही है? तो मतलब वो कितनी हाइट तक जाएगा, 44.1 मीटर। ओके, यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो वी इक्वल्स टू वी जीरो प्लस 80 फॉर्मूला है, ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी, नीचे कितना था, कितने से छोड़ा था उसको, -29.4, एक्सीलरेशन 9.8, टी चाहिए, तो चलो 29.4 उधर चला जाएगा पॉजिटिव, और 9.8 मल्टीप्लीकेशन में कहां जाएगा, डिवीजन में, तो हाउ मच सेकेंड, टी सेक, 3 सेकेंड। आया समझ में? ओके, तो दिस इज द थिंग। अब ये जो चीज है ना, मैक्सिमम हाइट वाला, ये वाला चीज अभी हमने सीखा नहीं है, वो मोशन इन अ प्लेन चैप्टर नंबर 4 में सीखने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। ओके, बट अभी हम इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन में आने वाले हैं, बट लिव इट, ऐसे वैसे भी हमें इधर से तो याद रह ही गया है ना। और सेकेंड थिंग, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक स्पेशल केस है। वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जब आप किसी फुटबॉल को किक लगाते हो तो वो कैसे ऐसे जाता है, दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें हमने किक, मतलब हमने इसमें इनिशियल वेलोसिटी ऐसे दिया होता है, और इसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी सीधा दे दिया 90 एंगल पे, इसलिए वो सीधा 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 ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके कहाँ आएगा, नीचे। बात समझ में आया? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, बट हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करते, चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस कर लेंगे। ओके, हमें बताया गया था, पूछा गया था कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम बैक इन द प्लेयर्स हैंड। आया समझ में? तो मैंने बताया था कि 3 सेकंड ऊपर जाने का, मतलब टी सेकंड ऊपर जाने का, तो टी सेकंड नीचे आने का, तो वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 3+3 या 3×2, हाउ मच सेकंड, 6 सेकंड। बात क्लियर हुई? यस और नो? ओके, रीड इट्स स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट विद द रीजंस एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल मोशन, नंबर 1, विथ 0 स्पीड एट अ इंस्टेंट मे हैव अ नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। क्या ऐसी कोई सिचुएशन पॉसिबल है, 0 स्पीड हो पर्टिकुलर टाइम पे और उसी टाइम पे उसके पास एक्सेलरेशन हो? अगर किसी ने प्रीवियस न्यूमेरिकल में, पहले हाँ या ना बोलो, ओके, अब किसी ने प्रीवियस न्यूमेरिकल में ध्यान दिया हो तो आंसर उसी में छुपा है। जीरो स्पीड और पर्टिकुलर एक्सेलरेशन होना उस पे आया, प्रीवियस न्यूमेरिकल के से आपके ध्यान में कुछ आया? ऐसा कुछ पोजीशन आपके ध्यान में आया कि स्पीड कहीं पे 0 हो गया हो और एक्सेलरेशन रहा हो, अभी इतना करना पड़ा तब? कहाँ आया था, कहा? मैक्सिमम हाइट, उस पे वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, वो कितना हो गया, 0। आया कहीं नहीं समझ में, आया ना? तो ये रहा, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड देन द स्पीड विल बी 0 एट मैक्सिमम हाइट बट एक्सेलरेशन स्टिल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज द ट्रू कंडीशन, आया समझ में? दूसरा, विद द 0 स्पीड एंड हैव अ नॉन जीरो वेलोसिटी, बट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। आप बोल रहे हो स्पीड 0 मतलब वेलोसिटी 0 ही हो गया, बात समझ में आया? एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आगे मेरे सेंटेंस, स्पीड इज 0 देन वेलोसिटी आल्सो 0, विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव अ 0 एक्सेलरेशन। स्पीड कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन 0, कैसे? यस, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, और स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। तो ट्रू, व्हेन पार्टिकल्स मूव विद द कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो चेंज इन वेलोसिटी इज 0 एंड हेंस एक्सेलरेशन इज 0। विद द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। यस, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। वेलोसिटी इंक्रीज होना मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होना, तो स्पीड इंक्रीज होना। आया समझ में? वैसे फॉल्स बोला, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी, इन लोगों ने फॉल्स बोला किसके लिए,
अपवर्ड. ओके देखो क्या बोला है, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड डिक्रीज, बट इफ द स्पीड एंड एक्सिलरेशन आर इन अ सेम डिरेक्शन देन स्पीड इज, वही तो बोला है इन लोगों ने, स्पीडिंग अप मतलब कि इंक्रीज होना विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ. ओके गॉट इट. ऐसा बोलना है, मैं क्वेश्चन समझने में गलती कर दी, मैंने बोला यहां पे क्या बोला है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन से स्पीडिंग अप होगा, ऐसा जरूरी है तो ना. हाँ एक्सिलरेशन पॉजिटिव होता है तो स्पीडिंग अप होने ही वाला है, लेकिन यहां पे क्वेश्चंस का मीनिंग क्या है, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप. क्या मतलब इसका मतलब हमें ऐसा सोचना है क्या नेगेटिव से वो स्पीडिंग अप नहीं हो सकता, इसीलिए फॉल्स दिया है नेगेटिव वाला केस देखे कि अगर फॉल हो रहा है तो एक्सिलरेशन क्या होता है, उसमें भी तो स्पीड अप होता है ना, इसीलिए फॉल्स बोला है. द कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस. बाकी एक बात फिक्स है कि एक्सिलरेशन का पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो स्पीडिंग अप ही होगा. गॉट इट. बट यहां पे कौन से मीनिंग में पूछा गया है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन स्पीडिंग अप करेगा, तो दैट इज फॉल्स. आया समझ में? डाउनवर्ड एक्सिलरेशन भी स्पीडिंग अप कर सकता है. बात क्लियर हुआ ना? तो मैग्नीट्यूड का ज्यादा मैटर नहीं है, मैटर है पॉजिटिव यानी नेगेटिव यानी डिरेक्शन का. तो डिरेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया. तो 11 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट किया. 12 क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, जिसमें यस जिसमें हमें क्या करना है, एक जंपिंग बॉल आता है, पता है आपको, कुछ हाइट से छोड़ते हो, टपका पड़ेगा फिर ऊपर आएगा, फिर टपका पड़ेगा फिर ऊपर आएगा, ये टपकिया हमें कैलकुलेट करनी है, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा. ओके एक अगेन आईएमपी न्यूमेरिकल है और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, टक 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 टक. ओके चलो गुड, उसके बाद बाकी की बातें बाद में करेंगे. देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू.